अरे मोदी जी, बताओ बताओ, मेरा कैसा लग रहा है खाना? बढ़िया तो है खाना, मजा तो आ रहा है। अरे उस दिन योगी जी के यहाँ तो पूरी खत्म हो गई थी, मैंने तो पूरी बनवाने का झाड़ी नहीं किया, मैंने तो चावल और छोले बनवाए। खाए रहो, जम के मजे से खाए रहो, समझे? पूरी होती है खत्म हो जाती है, इसीलिए मैंने चावल और छोले बनवाए। और तुम सबके लिए एक एक सेब भी रख दिया है मैंने, सेब खाओ जल्दी, खाना खत्म करो उसके बाद एक सेब खाओ। अरे अखिलेश, इंतजाम तो तुम्हारा बहुत बढ़िया है, सब कुछ बहुत बढ़िया है, और चावल छोले भी अच्छी है तुम्हारे, समझे? लेकिन छोलों में थोड़ा नमक कम रह गया। अरे जिसने बनाया है उससे शिकायत करना कि उसने नमक डालना क्यों भूल गया, बिल्कुल नमक क्यों नहीं है इस चीज में। अरे अखिलेश, तुमने सबके सामने तो सेब रख दिया, मेरे सामने सेब क्यों नहीं रखा है, समझे? उधर देखो, केजरीवाल के भी सामने रखा हुआ है, राहुल के भी सामने रखा हुआ है, इधर मोदी जी के सामने भी रखा हुआ है, और वहां आखिर में लालू जी के भी सामने रखा हुआ है। सिर मैं रह गया, मुझे क्यों नहीं दे रहे हो सेब, ये बताओ। अरे भूल गई होगी जी, अभी कुछ दिन पहले तुमने भंडारा करवाया था तो सबको केले दिए थे, मुझे केला क्यों नहीं दिया था, ये बताओ। इसीलिए मैंने जानबूझ के तुम्हारे सामने सेब नहीं रखा है। अरे कैसी बात कर रहे हो अखिलेश, मैंने तुम्हारे सामने केला रखा तो था, तुम चुपके से खा आए थे, समझे? दोबारा केला मांग रहे थे, तुमने तो मेरे सामने एक भी बार सेब नहीं रखा, सेब रखो। अरे गलत बात है अखिलेश, गलत बात है, सेब रख दो योगी जी के सामने, उस दिन उन्होंने केला रखा तो था तुम्हारे सामने, तुम दोबारा केला मांग रहे थे, अब तुम एक बार भी सेब नहीं रख रहे हो इनके सामने, सेब रखो जब सबको सेब दिया है तुमने। राहुल, तुम हम दोनों के बीच में मत पड़ो, तुम आराम से छोले चावल खाओ, उसके बाद सेब खाओ और आराम से घर जाओ, ज्यादा बात मत करो। अरे भले ही मैंने एक केला मुझे मिल गया था पहले, मैं दूसरा केला मांग रहा था, लेकिन इन्होंने केला नहीं दिया मुझे। अखिलेश गलत बात है तुम्हारी, उस दिन योगी जी ने तुम्हें केला दिया तो था, अपने भंडारे में उन्होंने केला दिया था तुम्हें, समझे? तुम एक बार तो सेब दो उन्हें, तुम तो दोबारा केला मांग रहे थे उनसे। चलो ठीक है मोदी जी और राहुल, जब तुम सब कह रहे हो तो मैं एक सेब देता हूँ योगी जी को। लो योगी जी, सेब ले लो तुम भी, अभी लाके देता हूँ मैं तुम्हें, समझे? मेरे भंडारे की बदनामी नहीं होना चाहिए, भंडारे में फुल लागत दी है मैंने। अरे राहुल, एक साबुन देना अच्छी खुशबू वाला, नहाना है मुझे, कई दिन से नहीं नहाया हूँ, दे दो एक साबुन, बढ़िया सा साबुन दे दो। बोलो अखिलेश, कौन सा वाला साबुन लोगे, 5 रुपए वाला या 10 रुपए वाला, कौन सा साबुन चाहिए तुम्हें? कई दिन से नहीं नहाए हो, 10 दिन से या 5 दिन से? अगर 5 दिन से नहीं नहाए हो तो 5 रुपए वाला साबुन चल जाएगा, अगर 10 दिन से नहीं नहाए हो तो 10 रुपए वाला चलेगा, समझे? अरे राहुल, इसे 10 रुपए वाला, वो गुलाम की खुशबू आती है जो गुलाब की, वो ही वाला दे दी इसे, बहुत बढ़िया साबुन है वो अखिलेश, वो ही ले लो तुम, बहुत ही खुशबू वाला, आदमी दूर से सूंघ ले, इतनी बढ़िया खुशबू आएगी तुम्हारे जिस्म से नहाने के बाद। अरे मोदी जी, मैंने तुमसे पूछा थोड़ी कि कौन सा साबुन चाहिए, जो अच्छा होगा राहुल अपने आप दे देगा, क्यों राहुल? राहुल मुझे कभी भी गलत चीज नहीं देता है, राहुल हमेशा अच्छी चीज देता है। और राहुल, एक बिस्किट का पैकेट दे दे, बिस्किट दे दे एक बिस्किट, 5 वाला। अरे अखिलेश, वो जीरे वाला बिस्किट लेना जिसपे जीरा लगा होता है, बहुत ही स्वादिष्ट बिस्किट है, नया नया आया है राहुल के पास, ले ले वो ही वाला ले ले। अरे योगी जी, मैंने तुमसे पूछा थोड़ी कि कौन सा बिस्किट चाहिए, जो अच्छा होगा राहुल मुझे अपने आप दे देगा, राहुल से मेरा चलता रहता है। चल ठीक है राहुल, वो जीरे ही वाला दे दे, जब ये योगी जी कह रहे हैं। और एक नमकीन का पैकेट दे दे, नमकीन का पैकेट। अरे अखिलेश, राहुल के पास एक काजू वाली नमकीन आई हुई है, काजू और बादाम पड़ा हुआ है, काजू मिक्सचर, वो ही नमकीन ले ले, बहुत ही मजेदार नमकीन है, चाहे तू राहुल से पूछ ले, बहुत मजेदार नमकीन है, ले ले वो ही ले ले, मेरे कहने से ये तो ले ले। अरे मोदी जी, मैंने तुमसे पूछा नमकीन के बारे में, तुमसे पूछा, जो अच्छी होगी राहुल अपने आप दे देगा, चल राहुल जो मोदी जी कह रहे हैं वो ही वाली दे दे। पहली बात ये बताओ योगी जी और मोदी जी, तुम यहाँ ठेले पर राहुल के बाहर, राहुल की दुकान के बाहर क्यों बैठे रहते हो पूरा दिन, और आते जाते ग्राहकों को परेशान करते रहते हो, समझे? क्यों बैठे रहते हो? लेकिन अखिलेश एक बात बताऊं, तुम भी हमेशा यही दोनों की बताई हुई सौदा लेते हो, जो मैं देता हूं वो नहीं लेते हो, समझे? पहले मना करते हो फिर इन्हीं की बताई हुई सौदा ले लेते हो। अरे केजरीवाल, तुम क्यों आए हो साथ में, और हमेशा क्यों आते हो अखिलेश के साथ में? अरे राहुल, मैं तो मजा लेने के लिए आता हूँ, जब ये अखिलेश सौदा लेने आता है तो मजा बहुत आता है, योगी जी और मोदी जी बहुत मजा लेते हैं इससे, मुझे मजा आता है, मैं तो भाई मजा लेने आता हूँ। और भाई लोगों, वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
लालू जी भंडारे भी कम से कम पूरा खाना तो दे देते, तुमने थोड़ी थोड़ी पत्तल पर खीर रख दी तो कचौड़ी रख दी, इतना कम खाना कौन खिलाता है। खीर तो लाओ, तुम्हारी खीर बहुत अच्छी बनी हुई है, लाओ थोड़ी सी खीर और। अरे मोदी जी तुम दुनिया की चीज मांग लो लेकिन मुझसे खीर मत मांगो, खीर खत्म हो गई। देख रहे हो केजरीवाल और वैसी जी को खीर मिली नहीं है, कैसे गुस्से में बैठ रहे हैं दोनों लोग, इन्हें सिर्फ कचौड़ी कचौड़ी मिली है दो। लेकिन लालू जी कचौड़ी के साथ खीर कौन खिलाता है, खीर और कचौड़ी क्या साथ। देखो मैं इस बात की बुराई नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी कचौरी और खीर बनी हुई अच्छी नहीं है, तुम्हारी खीर और कचौरी बहुत अच्छी बनी हुई है, लेकिन खीर को भी तुमने पूरा नहीं बनाया है, आधी अधूरी खीर बनाई है और कचौरी भी कम बनाई है, और खीर कचौरी का कोई साथ भी नहीं होता है। ज्यादा मत बोलो योगी जी, एक तो लालू जी ने तुम्हें कचौरी और खीर दोनों चीजें दे दी, मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, ना इन्होंने मुझे कचौरी दी है ना खीर दी है, और भंडारे पे बुला लिया, बताओ मैं क्या खाऊं। अच्छा लालू जी आप एक बात बताओ, आप दो रंग की बातें क्यों कर रहे हैं, वैसी जी को तुमने ना खीर दी ना कचौरी दी, और मेरे पास तो खीर भी नहीं दी है सिर्फ कचौरी कचौरी दी है, ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, मैं इस बात की घोर निंदा करता हूँ। चलो वैसी जी अपना लोग खाना त्याग कर चलते हैं ऐसी। अरे वैसी जी और केजरीवाल खाना त्यागना किसी परेशानी का हल थोड़ी है, ये बताओ मेरे पास खीर खत्म हो गई तो मैं क्या करूँ, और वैसी जी मैंने तो तुम्हें कचौड़ी दी थी, खीर भले ही ना दी हो कचौड़ी दी थी, लेकिन चुपके से केजरीवाल ने तुम्हारी कचौड़ी उठा ली, तुम्हें पता ही नहीं चला इसमें मेरी क्या गलती। हाँ वैसी जी लालू जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा है, लालू जी ने तुम्हें खीर नहीं दी थी लेकिन कचौड़ी कचौड़ी दी थी, कचौड़ी चुपके से केजरीवाल ने तुम्हारे पत्तल में से उठा ली, इसमें उनकी बिचारों की कोई गलती नहीं है। चलो ठीक है लालू जी की कोई बदनामी मत करो, ऐसा है मेरे पत्तल में जो खीर है वो केजरीवाल और वैसी जी को दे दो आधी आधी, मैं तो बिना खीर के भी कचौरी खा लूंगा। भाइयों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। अरे लालू जी बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हो तुम, मैं चाय पीने के लिए क्या चला गया, ट्रेन निकल गई। अरे इसी ट्रेन में तो मोदी जी आने वाले थे, मैं तुमसे कह गया था जो ट्रेन आए उसकी पहली बोगी के अंदर से सीट नंबर 15 से मोदी जी को उतार लेना, अब क्या करें बताओ, इसी ट्रेन में मोदी जी थे। अरे मोदी जी वो बाहर आ गए निकल के। अरे मोदी जी ऐसे मत उतरना, ट्रेन की स्पीड तेज है। क्या बताऊं, जैसे तुम चाय लेने के लिए गए मेरी आंख लग गई, मुझे झपकी आ गई, ट्रेन सिर्फ एक मिनट रुकी यहां, जैसे चलने के लिए ट्रेन ने हॉर्न दिया तुरंत मेरी आंख खुल गई। अब वो सब तो छोड़ो, ये बताओ मोदी जी कैसे उतरेंगे, ट्रेन की स्पीड तो तेज हो गई। अरे मोदी जी चैन खेच दो चैन। अरे भाई कोई ट्रेन को रोको, किसी तरीके से रोको, स्पीड तेज हो गई ट्रेन की, मैं कैसे उतरूं, उतर भी नहीं पा रहा हूं, बहुत तेज स्पीड हो गई। अरे योगी जी मैंने कहा था पहली बोगी की सीट नंबर 15 से मुझे उतार लेना स्टेशन पे आके, तुमने ध्यान ही नहीं दिया, ट्रेन चलने लगी। अब वो तो मैं अचानक खिड़की की तरफ आ गया तो मेरी नजर तुम पे पड़ गई, अब बताओ क्या करा जाए, मैं किस तरीके से उतरूं। अरे भाई साहब कोई तरीका बताओ उतरने का। अरे भाई एक ही तरीका है, या तो चैन खींच दो या अगले स्टेशन पे उतर जाना, अब तुम्हें जो अच्छा लगे वो काम कर लो, मेरे हिसाब से चैन मत खींचो, मुझे भी बहुत जल्दी है अपने ठिकाने पे पहुंचने की, ये ट्रेन वैसी 3 घंटा लेट है, अगले स्टेशन पे उतर जाना। अरे क्या बताओ, मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, चैन खींचूं या अगले स्टेशन पे उतरूं। अरे अगले वाले भैया आप बताना जरा क्या करूं मैं। मेरे हिसाब से ट्रेन की चैन खींच दो अगर तुम्हें ज्यादा ही जल्दी है यहाँ उतरने की, ना तो अगले वाले स्टेशन पे उतर जाओ। वो भाई साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन बेफालतू में कभी कभी चैन खींचने पे दंड भी पड़ जाता है। अरे भाई मैं चैन उन नहीं खींचूंगा। अरे योगी जी लालू जी अगले वाले स्टेशन पे आओ, जल्दी जल्दी आओ अगले वाले स्टेशन पे, वही मैं उतरता हूँ। अरे अगले वाले स्टेशन पे कैसे आए मोदी जी, अगले वाला स्टेशन बहुत दूर है, 50 किलोमीटर दूर है अगले। अरे तुम तो ट्रेन में सवार हो, हम इतनी जल्दी कैसे पहुंच जाएंगे। चलो भाई निकल गई ट्रेन। लालू जी क्या बताया जाए, मैं तुम्हें कुछ कह नहीं सकता, तुम्हारी वजह से आज मोदी जी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं उतर पाए, मोबाइल भी है नहीं उन पे, पता नहीं अब क्या होगा। भाई लोगों वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।